शुरू आज 10 मार्च स्टार्ट करते हैं आज की कंठ पर। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सरकार अधिक महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कुल 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना बना रही है? तो बना रही है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? तो ये बनाया गया था 8 मार्च को। इस बार का विषय था जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम मार्च 2020 में कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था IIM बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारतीय तटरक्षक द्वारा नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज का अंतिम अभ्यास कहाँ किया गया था? तो किया गया गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारत में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में सरकार ने निम्नलिखित से किसको नामित किया है? तो नामित किया है अगरतला और घोजडंगा, यानी कि दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का पुनर्गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ द फ्यूचर ऑफ वर्क वीमेन इन इंडिया वर्क फोर्स पर चर्चा आयोजित की है? तो ये आयोजित की है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में RBI ने पब्लिक डोमेन को येस बैंक के पुनर्निर्माण की मसौदा योजना में रखा है, किस बैंक ने येस बैंक में निवेश करने और इसकी पुनर्निर्माण योजना में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है? तो ये व्यक्त की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम द्वारा लिए गए मार्ग राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया? तो ये दिया है 15 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री किसने मोस्ट के कार्यक्रमों से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए महिला छात्रों शोधकर्ताओं उद्यमियों वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए एक नई हेल्पलाइन नंबर 0112656 5285 शुरू की है? तो ये शुरू की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे संबंधित थे राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से सैनिटरी नैपकिन निर्माताओं को प्रत्येक नैपकिन के साथ बायोडिग्रेडेबल बैग की आपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से मौतों में तेज उछाल और संक्रमण में दक्षिण कोरिया को पछाड़ने के बाद मार्च 2020 तक किस देश ने इसमें दूसरा सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं? तो ये दर्ज किए हैं इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय मुक्केबाजों का पहला सेट कौन है? पहला सेट है पूजा रानी और विकास कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में वसीम जाफर ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वे निवृत्ति में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वसीम जाफर जो है ये क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में कौन सा देश कार्यक्रम पोषण अभियान में प्रतिभागियों की संख्या के मामले में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में दुनिया में सबसे बड़ी सभी महिला धार्मिक मंडलियों में से एक प्रसिद्ध अट्टुगल पोंगाला कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार निवेश और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट द्वारा FDI में कितने % की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? अनुमान लगाया गया 15% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कितने रुपये के खर्च के साथ वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव पेश किया है? तो ये पेश किया है 182,914.42 करोड़ रुपए के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड।